वाई डू वी यूज एड्रेस ऑपरेटर इन स्कैनएफ? इसे एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं। सी प्रोग्रामिंग के अंदर, स्कैनएफ के अंदर एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करते हैं, प्रिंटएफ के अंदर यूज़ नहीं करते हैं। ये देखना है हमको स्कैनएफ के अंदर वो क्यों ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं और प्रिंटएफ के अंदर क्यों नहीं यूज़ करते हैं। मैं बताऊंगा, ये नोट समझाने के पहले एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा मैं। अब देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एक वेरिएबल हम बनाए तो दो फंक्शन है यहाँ, यहाँ टेस्ट नाम का एक फंक्शन है, मेन नाम का एक फंक्शन है। तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ मेन से। ये एक इंटीजर वेरिएबल है, इसके लिए 2 बाइट मेमोरी मिलेंगे, उसका नेम होगा ये, इसका एड्रेस कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, मगर हम उसका एड्रेस को हमें अभी 2000 माने। तो इसके अंदर हमें 10 भी दिए, तो उसके बाद उसका वैल्यू हम प्रिंट भी करें, ये इज इक्वल टू ए की वैल्यू प्रिंट होगी। तो देखिए अब आउटपुट में आप ये देख सकते हैं, ये इज इक्वल 10। तो यहाँ ए की वैल्यू जो भी है वो यहाँ प्रिंट होगी, ये इज इक्वल 10 बोल के वो प्रिंट होगा। अब हमें टेस्ट को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ टेस्ट नाम का एक फंक्शन है, उसे हमें कॉल कर रहे हैं। तो वो फंक्शन को हमें एक वेरिएबल पास कर रहे हैं ये। ऐसा पास करने से क्या होता है, ये की वैल्यू पास हो जाती है ये एक फंक्शन को, ये फंक्शन के पैरामीटर को फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं या फंक्शन पैरामीटर बोलते हैं, इसे एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं, जो फंक्शन कॉल से कॉल हो पास करते हैं उस वेरिएबल को एक्चुअल पैरामीटर बोलेंगे, ये फंक्शन के पैरामीटर को फॉर्मल पैरामीटर बोलेंगे। ये एक्चुअल पैरामीटर में जो दिख रहा है 10, उसकी एक कॉपी यहाँ पर जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं ये कॉपी ऐसा ही रहेगी, ये 10 ऐसा ही रहेगा। तो उसकी कॉपी एक एक्स में चले गई, तो एक्स में जाने के बाद ये फंक्शन इसको क्या कर सकता है, तो जो भी ये फंक्शन काम करेगा इस वैल्यू पे काम करेगा, इस वेरिएबल पे काम करेगा, इसमें कुछ अल्टर कर लो और उसमें कुछ भी कर लो तो इसमें असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी एक कॉपी वहाँ पे पास हो गई है। ये एक फंक्शन इसको क्या कर सकता है, कोई उसके अपने फंक्शन में उसे वैल्यू को यूज़ कर ले सकता है बस। तो इसको प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंट कर ले सकता है, एक्स की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो, एक्स इक्वल 10 बोल के प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे एक्स इक्वल 10 बोल के प्रिंट हो जाएगा और एक्स की वैल्यू चेंज भी कर लेगा। देखिए एक्स की वैल्यू चेंज भी कर लेगा तो ये फंक्शन खत्म होने के बाद जब इधर वापस आएगा तो वो एक्स भी खत्म, वो फंक्शन भी खत्म, क्योंकि एक फंक्शन का वेरिएबल वो फंक्शन खत्म होए तक रहती है। तो यहाँ वो एक्स में आप कुछ भी चेंज कीजिए, नेम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब इसका वेरिएबल ये है, वहाँ भी ये रखने से कोई फायदा नहीं है, उसका ये अलग है, इसका ये अलग है, इसमें एक्स में कुछ भी चेंज कर पाए हो तो इसमें चेंज नहीं होगा। फिर ये फंक्शन खत्म होने के बाद फिर वापस आके हमें ये की वैल्यू प्रिंट करेंगे यहाँ पे, तो वो प्रिंट होगा, फिर यही प्रिंट होगा ए इज इक्वल 10। इससे क्या पता चलता है, जब हम कोई वेरिएबल को दूसरे फंक्शन को पास करते हैं वो फंक्शन उसे यूज कर ले सकता है, प्रिंट कर ले सकता है, स्क्रीन पे प्रिंट कर ले सकता है, उसकी वैल्यू चेंज कर ले सकता है, उसमें चेंज करने से यहाँ एक्चुअल वेरिएबल में चेंज नहीं हो पाता है। अब दूसरा एक मेथड है, देखिएगा, तो जब इसे बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू का मतलब ये होता है जब कोई फंक्शन को हम वैल्यू पास करते हैं, कोई वैल्यू पास करते हुए उसको कॉल करेंगे तो उसे कॉल बाय वैल्यू बोलेंगे। तो उसमें कुछ भी ये वेरिएबल में कुछ भी चेंज करो, ये एक्चुअल वेरिएबल में चेंज नहीं होता है। और उसके बाद और एक तरीका है पास करने का सी के अंदर, तो चलो उसका एड्रेस ऐसा लिखने से, यह ऑपरेटर एड्रेस देता है कोई भी वेरिएबल का। आप ये का एड्रेस समझो कि हम दे दिया वो, तो यहाँ ये का एड्रेस है समझिएगा, अभी ये का एड्रेस क्या है 2000, तो 2000 रहता है, 3000 रहता है, कुछ भी एड्रेस तो रहेगा जरूर, वो एड्रेस हम समझ के लिखे हैं 2000 हो सकता है, समझ के लिखे हैं, बस अज्यूम करिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, आप ये की वैल्यू ये वेरिएबल को पास करते तो ये की वैल्यू पास होती थी, अब उसका एड्रेस आप पास कर रहे हैं तो एड्रेस अभी एक्स में जाएगा, तो बस एक्स को आके है ना पॉइंटर वेरिएबल लेना चाहिए। एड्रेसेस को स्टोर करना है, एड्रेसेस को एक्सेप्ट करना हो तो, एड्रेसेस को एक्सेप्ट करना हो तो उसकी वैल्यू लेना पड़ेगा, वो पॉइंटर वेरिएबल ही उसको एक्सेप्ट कर सकता है। जब देखो जब यहाँ से एड्रेस पास करते हैं, यह पॉइंटर वेरिएबल चाहिए कि वो एड्रेस को स्टोर कर पाए, तो ऑर्डिनरी वेरिएबल एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकता, बस वेरिएबल के सामने डिक्लेयर कर दो, एस्टिक लगा देंगे तो समझ जाना वो पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर मतलब एड्रेस, अब वो एड्रेस को स्टोर करेगा। अच्छा अभी क्या है, एक्स इज इक्वल एक्स की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे, एक्स में है ना अभी क्या है, तो आपने हमें 2000 पास कर दिया है, आपको इसका वैल्यू इसका 2000, अब एक्स को प्रिंट करें मतलब 2000 प्रिंट हो जाता है, तो उसको आप चाहते हैं वैल्यू चाहिए उस एड्रेस के अंदर, क्या एस्टिक लगाइए, एस्टिक एक्स का मतलब ये होता है, यहाँ डिक्लेयर करते वक्त एस्टिक का मतलब होता है कि ये पॉइंटर बोल के हम बता रहे हैं, तो यहाँ यूज़ करते वक्त एस्टिक का मतलब ये है, एक्स एक पॉइंटर होगा, पॉइंटर के सामने पॉइंटर मतलब एड्रेस होगा,
तो एक्स के सामने जब एस्टिक लगाते हैं उस वैल्यू एक्स के अंदर जो एड्रेस है, ये एड्रेस कौन सा लोकेशन का है उसके अंदर क्या है वो एक्सेस हो जाएगा। हाँ, ये वैल्यू ऑपरेटर बोलते हैं, वैल्यू देता है कि पर्टिकुलर एड्रेस आपके पास है उसके सामने एस्टिक लगा दो, वो एड्रेस किस लोकेशन का है, वो एड्रेस के अंदर कौन सा वैल्यू है। ये देखिए ये 10 वहाँ प्रिंट होगा अभी, तो खाली एक्स लिखते हैं तो उसका वैल्यू प्रिंट होता था एस्टिक एक्स। तो एड्रेस को पास करने से क्या हो रहा है, वो एड्रेस को यूज़ करके उन्हें एक्चुअल वैल्यू को एक्सेस कर पा रहा है। अच्छा चलो उसके ऊपर एस्टिक एक्स, अब एस्टिक एक्स करेंगे तो एस्टिक एक्स इज इक्वल 90 देंगे, 90 किस में जाएगा, एक्स में नहीं जाएगा, खाली एक्स लिखते तो एक्स में जाता था, एस्टिक लिखे, एक्स एक पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर एड्रेस रहता है, एड्रेस के सामने एस्टिक लग गया, एस्टिक लगने का मतलब क्या है, तो एक्स के अंदर जो एक्स के अंदर एड्रेस है, एस्टिक लगाने का मतलब वो एड्रेस किसका है, वो लोकेशन वो वैल्यू एक्सेस होगा। तो अभी ये 90 है ना, इसी में जाएगा इसमें, क्योंकि एक्स के अंदर किसका एड्रेस है, इसी का एड्रेस है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है, जब तुम्हें एड्रेस पास करोगे कि फंक्शन है ना एक्चुअल वेरिएबल को एक्सेस कर पाता है, नहीं तो जिस फंक्शन का वेरिएबल को वही फंक्शन एक्सेस कर सकता है, दूसरे फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस ही नहीं कर सकता है। जब हम वेरिएबल भेज भी देते हैं उसे तो उसका वैल्यू पास होता है, उस वैल्यू को यूज़ कर ले सकता है, बट उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकता हम वेरिएबल का एड्रेस नहीं पास करने से, जब वो एड्रेस को यूज़ करके इसका एक्चुअल डेटा को एक्सेस कर सकता है। बस इतना बताइए, पहले फंक्शन क्या कर पाया था, जब हम वेरिएबल भेजे थे तो प्रिंट कर पा रहा था, मगर वहाँ कुछ भी चेंज करो असर नहीं पड़ता था, इसका मतलब इसमें चेंज नहीं कर पा रहा था, वो उसमें चेंज नहीं कर पा रहा था, वो इसमें चेंज नहीं कर पा रहा था, तो चेंज उसी में कर पा रहा था, इसमें नहीं चेंज कर पा रहा था जब हम वेरिएबल भेजे। जब हम एड्रेस भेजने से क्या हुआ, जब हमें एड्रेस भेजने से क्या हो रहा है, तो वो प्रिंट भी कर रहा है वैल्यू को जो हम भेजे थे, जिसका एड्रेस हम भेजे थे वो एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है प्रिंट भी कर पा रहा है, तो आप उसका वैल्यू इसका वैल्यू चेंज कर भी रहा है, इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, आप जिसका एड्रेस आप पास किए हैं, जिसका एड्रेस एक्स के अंदर है, एक्स के अंदर किसका एड्रेस है, ये का एड्रेस है इसका, उसका वैल्यू चेंज कर पा रहा है, चेंज कर पा रहा है। तो इसमें प्रिंटएफ का स्कैनएफ का क्या होता है, तो प्रिंटएफ में क्या है, जब हम एक वेरिएबल पास करते हैं प्रिंटएफ में, तो वो वेरिएबल वो प्रिंटएफ, देखो यहाँ प्रिंटएफ है ना, तो ये प्रिंटएफ फंक्शन क्या करता है, तो जस्ट ये फंक्शन कॉल बोलते हैं इसे, एक्चुअली प्रिंटएफ नाम का फंक्शन ऑलरेडी stdio.h में डिफाइंड है, ये फाइल के अंदर एक्चुअल फंक्शन डिफाइंड है, एक्चुअल फंक्शन डेफिनेशन वहाँ है, ये हमें प्रिंटएफ को है ना कॉल कर रहे हैं, हमें प्रिंटएफ को डिफाइंड नहीं कर रहे हैं, हमें यहाँ क्या पास कर रहे हैं उसे, एक पैरामीटर ये पास कर रहे हैं, तो ये भी एक पैरामीटर है, इसे स्ट्रिंग वैल्यू बोलते हैं डबल कोड के अंदर, ये पूरा एक वैल्यू जैसा पास होगा, ये एक वैल्यू जैसा पास होगा। अब यहाँ क्या पास कर रहे हैं बताइए आप, अभी एक वेरिएबल पास कर रहे हैं, तो वेरिएबल को पास करने से प्रिंटएफ जो एक्चुअल प्रिंटएफ जो है stdio.h में, वो फंक्शन को हमें वेरिएबल जब पास कर रहे हैं तो इसका वैल्यू वहाँ को पास होगा, वो प्रिंटएफ क्या करेगा, सिर्फ प्रिंट कर पाएगा, सिर्फ प्रिंट कर पाएगा, इसमें तो वैल्यू चेंज नहीं कर पाएगा, बट स्कैनएफ को मौका देना है एड्रेस पास करके कि कीबोर्ड से रीड किया हुआ वैल्यू वो हमारे पास किया हुआ वेरिएबल में वो रख पाए, तो वो रख पाए। देखिए आप इसका एड्रेस भेजे तभी चना इन्हें ये 90 को इसमें रख पाया है, एस्टिक एक्स का मतलब ये में जा रहा है वैल्यू जिसका एड्रेस उसके अंदर है, कि स्कैनएफ में इसलिए एड्रेस पास करते हैं कि स्कैनएफ कीबोर्ड से रीड किया हुआ वैल्यू हमारा भेजा हुआ वेरिएबल में वो रख पाए, राइट कर पाए, स्टोर कर पाए, इसलिए हम लोग ये भेजते हैं। तो इसके मामले में जब एड्रेस पास करते हो तो ये 90 है ना असर पड़ेगा, यहाँ ये इज इक्वल 90 आएगा, यहाँ ये इज इक्वल 10 ही आएगा, यहाँ ये इज इक्वल 90 आएगा, इस मामले में ये की वैल्यू यहाँ 10 रहेगी, यहाँ 90 होगी, देख लीजिए यहाँ 90 प्रिंट होगा, वो पुराना है ये कॉल बाय वैल्यू का मामला था। देखिए और अच्छा समझ में आ रहा है मेरे फंक्शंस के चैप्टर में, तो कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस अच्छा से पढ़िएगा, कॉल बाय रेफरेंस का मतलब जब एड्रेस पास करके जब हम कोई फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन को एड्रेस पास करके कॉल करेंगे तो उसे कॉल बाय रेफरेंस बोलेंगे, वहाँ का फंक्शन चेंज ये वैल्यू को चेंज कर पाएगा, हाँ कुछ भी चेंज है यहाँ चेंज हो पाएगा, उसे कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। अब देखें इसमें ऐसा ही, हम यहाँ भी एक छोटा सा एग्जांपल दिया हूँ मैं, तो हमें ये का एड्रेस इसलिए पास कर पा रहे हैं, ये पास कर रहे हैं कि ये स्कैनएफ नाम का एक फंक्शन इसके अंदर डिफाइंड है, कि वो फंक्शन को हम एड्रेस इसलिए दे रहे हैं कि वो जो फंक्शन अंदर में डिफाइंड है वो एक्चुअल फंक्शन है, ये तो फंक्शन कॉल है कि हम फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं बस, तो वो फंक्शन कीबोर्ड से रीड करके इसमें वैल्यू रख पाए, इसका वैल्यू चेंज कर पाए, तो इसमें क्या है एड्रेस नहीं पास करते हैं, इसलिए एड्रेस नहीं पास कर, हमारा भेजा हुआ वैल्यू वो लेके प्रिंट करना है उसको, इसमें कुछ चेंज करना नहीं है उसको, ये उसका है। देखिए आप यहाँ आप देख सकते हैं, प्रिंट एफ ओनली नीड वैल्यूज टू प्रिंट ऑन स्क्रीन नॉट इन मेमोरी,
एंड देयर फॉर डज नॉट रिक्वायर मेमोरी लोकेशन एड्रेस. हमें एड्रेस भेजने की जरूरत नहीं प्रिंट एफ को, क्योंकि प्रिंट एफ को वैल्यू चाहिए. वैल्यू भेज दिए, वो वैल्यू को वो प्रिंट कर लेगा. स्कैन एफ नीड टू राइट इन टू ए वेरिएबल. स्कैन एफ को रीड किया हुआ वैल्यू, कीबोर्ड से रीड किया हुआ वैल्यू वेरिएबल में लिखना रहता है, उसको वेरिएबल में लिखना रहता है. देयर फॉर इसलिए इट नीड ऑन वेरिएबल एड्रेस वेयर इट कैन बी राइट ए वैल्यू. तो हमारा हम एड्रेस भेजेंगे तभी वो वेरिएबल में वो लिख पाएगा, क्योंकि हमारा वेरिएबल, हमारे इस मेन फंक्शन का वेरिएबल कि स्कैनएफ एक्सेस कर पाए, स्कैनएफ आके हमारे मेन वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर पाए, राइट कर पाए, तभी हम एड्रेस भेजेंगे, तभी होगा. इफ वी पास एड्रेस ऑफ वेरिएबल देन ओनली फंक्शन कैन राइट वैल्यू टू वेरिएबल. जब हम एड्रेस भेजेंगे तभी हमारे वेरिएबल में वो स्टोर कर पाएगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए कॉल बाय रेफरेंस. इसे कॉल बाय रेफरेंस भी बोलते हैं, क्योंकि एड्रेस पास करें. इन कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन वर्क ऑन एक्चुअल वेरिएबल्स विच आर यूज इन फंक्शन कॉल. जो फंक्शन तुम्हें कॉल करते हो तो कॉल करते हो जो वेरिएबल पास करते हो, जो वेरिएबल को हमें यूज करते हैं पास कर, जो जिसको पास करें उसी को बोल रहे हैं, उसमें वो वर्क कर पाएगा, उस पर वो वर्क कर पाएगा. इट मीन्स alteration टू एक्चुअल आर्ग्यूमेंट. एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो पास कर रहे हैं ना उसे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं. इज पॉसिबल विद इन फ्रॉम alteration टू एक्चुअल पैरामीटर इज पॉसिबल. हमारा जो वैल्यूज हम पास कर रहे हैं वेरिएबल पास, उसमें alteration कर पाएगा स्कैनर जब एड्रेस भेजेंगे तो. विद इन फ्रॉम फंक्शन कॉल्ड फंक्शन. कॉल्ड फंक्शन मतलब जिस फंक्शन को हमें कॉल करते हैं ना उसे कॉल्ड फंक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ पे स्कैनएफ कॉल्ड फंक्शन की स्कैनएफ कॉल हो रहा है. कॉल करने वाला मेन है, कॉलिंग फंक्शन मेन है, कॉल्ड फंक्शन स्कैनएफ है. ये नोट्स, थैंक यू.